ये 6 मिनट का डिक्टेशन है समाचार पत्र हिंदुस्तान से। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। सावधान, आपका डिलडॉल भी आपका दुश्मन बन सकता है। लोग ही ऐसे हैं कि आपको देखते ही आपकी औकात का अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे अनुमान हकीकत के सामने ढेर हो जाते हैं। लोगों को यह पता है कि दिखने में क्या रहा है, लेकिन तब भी महज डिलडॉल देख मन बना लेते हैं। ऐसा ही उस लड़के के साथ हो रहा था। कद 5.5 फीट भी नहीं और वजन बमुश्किल 50 किलोग्राम। वह किसी की नज़रों पर अनायास चढ़ता ही नहीं था। लोग देखते थे, हाँ ठीक है, एक सामान्य दुबला पतला लड़का है, पढ़ाई लिखाई भले ठीक कर ले, लेकिन शरीर से क्या कमाल दिखाएगा भला। कॉलेज का वार्षिक उत्सव होने वाला था। कॉलेज के तगड़े तगड़े लड़के कुश्ती के लिए चुने जा रहे थे। खेल शिक्षक ऊपर से देख कर ही तय कर ले रहे थे कि कौन कुश्ती के लायक है। उस लड़के का मन नहीं माना, वह भी खेल शिक्षक के पास पहुंच गया कि कुश्ती में जोर आजमाना है। खेल शिक्षक ने उस लड़के को नज़र भर देखा और मना कर दिया कि तुम कुश्ती लायक नहीं हो। लड़के ने गुहार लगाई, सर मौका दीजिए, लेकिन शिक्षक टस से मस नहीं हुए। लड़के की चिंता बढ़ गई। कॉलेज स्तर पर ही जब लड़ने दिया जाएगा तो फिर आगे क्या होगा? क्या अखाड़ा छोड़ दिया जाए? दूसरा कोई होता तो हार मान लेता। उस ज़माने में शिक्षक के खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। शिक्षक जो बोल देते थे उसे विद्यार्थी अंतिम मान लेते थे। शिक्षक ने बोल दिया कि मैं कुश्ती लायक नहीं हूँ तो क्या अखाड़ा छोड़ दूँ? फिर मन में आया कि हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। कॉलेज में नहीं लड़े तो आगे कहाँ लड़ेंगे? वह निर्णायक क्षण था जब उसके लड़के ने हिम्मत की और प्रिंसिपल के पास पहुंच गया। सर कुश्ती में भाग लेना है, प्रिंसिपल ने कहा, तो खेल शिक्षक के पास जाओ। लड़के ने निराशा से कहा, उन्होंने मना कर दिया, तभी आपके पास आया हूँ। प्रिंसिपल ने गौर से देखा और सामान्य बुद्धि लगाकर समझ गए कि खेल शिक्षक ने क्यों मना कर दिया। दुबला पतला लड़का है, कहीं खेल खेल में ही हड्डी ना तुड़वा ले। एक से एक मुस्टंडे कॉलेज में पढ़ते हैं, इसे अखाड़े में मसल डालेंगे। प्रिंसिपल क्या करते, लड़का अड़ा हुआ था, मान गए, जाओ मौका दिया। फिर क्या था, एक के बाद एक कुश्ती में उस लड़के ने एक से बढ़कर एक अपने से दूने तीने आकार के पहलवानों को पटक मारा। पहलवान आते थे और सेकंडों में कूद को झाड़ते धोते कराहते निकल लेते थे। रातों रात कॉलेज में ख्याति हो गई कि एक पॉकेट डायनमो पलक झपकते पहलवानों को चित कर देता है। इस प्रतियोगिता ने उस लड़के
खासाबा दादा साहेब जाधव अर्थात केडी जाधव को आत्मविश्वास से भर दिया, लेकिन आगे की राह भी आसान नहीं थी क्योंकि लोग अक्सर उन्हें देखकर धोखा खाते थे। देश की आज़ादी के अगले साल लंदन में ओलंपिक का आयोजन हुआ था, पहलवान चुने जा रहे थे। उस वक्त के सबसे तगड़े 6 फीट से भी ज़्यादा ऊंचे बंगाली पहलवान निरंजन दास को सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। जाधव ने उन्हें चुनौती दी। निरंजन दास भी आश्वस्त थे कि नाते पहलवान को पलक झपकते जमीन सूंघा देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। तब निरंजन ने बहाना बनाया,